हेलो दोस्तों, खाना माँ के संग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्प्रिंग रोल बनाने जा रहे हैं। स्प्रिंग रोल घर में रखी सब्जियों से बनाया जा सकता है। जो घर में सब्जी हम उनसे बना सकते हैं। हम बच्चों को स्प्रिंग रोल बहुत पसंद आते हैं और ये एक नए तरह का नाश्ता हो जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने ली हैं सब्जियाँ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, लंबे कटे हुए प्याज, मेरे पास थोड़ी सी बीन्स रखी थी, बीन्स लिए हैं, बॉयल दो आलू लिए हैं, मटर जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, अदरक कसा हुआ लिया है और हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं क्योंकि बच्चे हरी मिर्च को कम पसंद करते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो ले सकते हैं। इसकी जगह दूसरी भी सब्जियाँ ली जा सकती हैं, जैसे गाजर है ना। और अगर इनमें से कोई सब्जी आपके पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। कोई स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने लिया है 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे, हींग डालेंगे, इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे, जो भी हम सब्जियां लेंगे उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वो पहले से ही अच्छी तरह से साफ करके सुखा के लेना चाहिए क्योंकि स्टफिंग बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने अदरक लिया था कस के वो ले लिया है। इसके बाद हम सारी सब्जियां इसमें, आलू को मैंने मैश कर लिया है और सारी सब्जियां एक एक करके इसमें डाल देंगे। आलू को और अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आलू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और स्टफिंग भी एक तरह से इकट्ठी हो जाती है। इसको हम तेज़ गैस पर ही करेंगे, फ्लेम को धीमी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मटर मैंने हल्की सी पहले ही बॉईल करके रखी थी और सब्जियों को हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। इसके साथ ही हम सारे मसाले डाल लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया और मिर्च स्वाद अनुसार, इसी के साथ ही 1 चम्मच नमक। और जब सब्जी में आलू होता है तो अमचूर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हम 1/2 चम्मच अमचूर भी लेंगे। साथ ही कटी हुई हरी मिर्च, और ख़ास फ्लेवर के लिए मैंने लिया है पुदीना पाउडर जिसको मैंने सुखा करके पीस के रख लिया था। इसको मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। देखिए कितनी अच्छी हो गई है हमारी स्टफिंग और एकदम बिखर भी नहीं रही है और सब्जियां हमारी सारी क्रंची हैं, कलर भी किसी का चेंज नहीं हुआ है। अब हम आगे इसके रैपर बनाने के लिए चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। अब इसका डो बनाने के लिए हम 1 कप पानी ले लेंगे और पानी धीरे धीरे डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे ताकि लम ना पड़े। हमें लम फ्री बैटर बनाना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। पानी एक साथ डाल देंगे तो डो हमारा पतला हो सकता है, पतला हो जाए तो मैदा और ले लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर इसको इतना फेंटना है कि एकदम स्मूथ बैटर चाहिए हमें इसके लिए। देखो बैटर बनकर हमारा रेडी है। इसमें हमारा 1/4 कप के आसपास पानी लगा है क्योंकि पहले मैंने पानी कप भर के नहीं लिया था। ये मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ, हमारा डो इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल भी नीचे जैसे जमना नहीं चाहिए, सीधा जाना चाहिए इस तरह से। अब हम इसमें
खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एक पिंच आपको लेते हुए दिखाऊंगी, इतना सा डालना है ताकि हमारा रैपर जो है क्रंची बने। और इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। तवा हमारा गरम है, डो भी तैयार है। अब हम इसको इस तरह के चमचे की हेल्प से बीच में इस तरह से डालेंगे, फ्लेम लो रखेंगे और फिर बीच में से धीरे धीरे चलाते जाएंगे। अगर इसकी शेप गोल ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये तो फोल्ड होगा, पर फिर भी कोशिश ये करें गोल के लिए। इसको एक तरफ से ही सेका जाता है और सिकने का पता अपने आप चल जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी, इसमें देखते जाइए। अगर नॉन स्टिक पैन आप नहीं ले रहे हैं, तवा ले रहे हैं, तो उसमें नीचे ऑयल ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैंने तो नॉन स्टिक लिया है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। और डो अगर गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको पतला कर लें, क्योंकि अगर डो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो हमारा रैपर मोटा बनेगा और मोटा रैपर अच्छा नहीं लगता है। ये लगभग हमारा सिक चुका है, देखो इसने कॉर्नर छोड़ दिए हैं अपने आप ही, हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे से इससे लें और उठाएं, देखो ये रैपर हमारा सिक चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। इसको हमें एक तरफ से ही सेकना होता है और थोड़ा सा स्पीडली इसको फैलाना होता है, नहीं तो हमारा रैपर मोटा हो जाता है। और अगर जल्दबाजी में कहीं से जगह निकल जाए तो वापस इस तरह से फिलिंग कर सकते हैं। देखिए मेरे रैपर बनकर तैयार हो चुके हैं और इनकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। इस तरह से ही आपको बनाने हैं। स्प्रिंग रोल को अब हम रैप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको ले लेंगे, एक चम्मच स्टफिंग इस तरह से रख लेंगे। अब इसको उठाते हुए इस तरह से रोल करेंगे, फिर साइड वाला कॉर्नर दोनों उठा करके रैप कर लेंगे। और मैंने थोड़ी सी इसका जो डो था वो बचा लिया था, और इसको हम ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, इसको हम इस पे लगाएंगे कॉर्नर पे और इस तरह से दोनों हाथ की हेल्प से इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये हो गया बिल्कुल आसान तरीका, ये हो गया। इसी तरह से हम सारे रोल कर लेंगे। एक एक करके मैंने सारे स्प्रिंग रोल रैप कर लिए हैं, अब इनको हम कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम को हम थोड़ा धीरे कर देंगे। अब इसमें हम एक एक करके सावधानी के साथ छोड़ते जाएंगे। हमें इन्हें क्रंची करना है, इसलिए हमने गैस को की फ्लेम को धीमी किया है। मेरी कढ़ाई बड़ी है तो मैंने सारे छोड़ दिए हैं, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इनको तल सकते हैं। इनको अभी हिलाएंगे नहीं और फिर फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, लगभग मीडियम फ्लेम पे इनको तलेंगे ताकि हमारे रोल क्रंची बने। रोल सीख चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है, देखिए कितना प्यारा कलर है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं। 2-3 मिनट तक मैंने इनको सेका है, लगभग 3 मिनट सेकने के बाद मैंने इनको निकाल लिया है। स्प्रिंग रोल बनकर रेडी हैं, झटपट किचन में जाइए, बनाइए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।